आखिर क्यों एक इंसान दुखी और दूसरा हमेशा खुश है? क्यों कोई डरा घबराया हुआ है और दूसरा फुल कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है? या फिर बोले कोई एक ऐसा व्यक्ति जो हर प्रकार से सफल है और दूसरा पूरी तरह से असफल। अच्छा, ऐसा आपने कई बार देखा होगा कि कई धार्मिक व्यक्ति, डिसिप्लिन में रहने वाले इंसान बुरी तरह से शारीरिक और मानसिक समस्याओं को झेलते हैं, और वहीं दूसरी तरफ कई लुच्चे लफंगे टाइप के लोग अपनी जिंदगी में सफलता की ऊंचाई को छू लेते हैं। क्या आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में इन प्रश्नों का जवाब है? हाँ, वहाँ इन सब का जवाब है। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल भास्कर और ये है ऑडियो सिंक। मैं आज आपको सुना रहा हूँ डॉक्टर जोसेफ मर्फी की लिखी किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का चैप्टर 1, द ट्रेजर हाउस विद इन यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा खजाना है जिसमें से आप जिंदगी को आनंद पूर्वक और भरपूर रूप से जीने के लिए कुछ भी निकाल सकते हैं? डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, अगर आप इस किताब में दिए गए टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने चमत्कारिक कार्य शक्ति यानी अपनी वर्किंग पावर पर नियंत्रण पा पाएंगे, जो आपको कंफ्यूजन, परेशानियां, अकेलेपन और फेलियर से ऊपर उठाकर सही जगह पहुंचा देगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड की मिरेकल वर्किंग पावर आपको बीमारियों से भी मुक्त करके आपको फिर से स्वस्थ और शक्तिशाली बना देगी। अच्छा, इस फैक्ट को तो आप जानते ही होंगे कि कार्बन और ऑक्सीजन के एक एक एटम मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं, जो कि एक जहरीली गैस है। लेकिन अगर आप इसमें ऑक्सीजन का एक एटम और जोड़ देते हैं तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड, एक नुकसान नहीं पहुंचाने वाली गैस प्राप्त होगी। इसी प्रकार से केमिकल कंपाउंड में प्रतिक्रियाएं होते रहती हैं। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल्स या सिद्धांत आपके सबकॉन्शियस माइंड के सिद्धांत से अलग है। चलिए एक सामान्य से सिद्धांत को लेते हैं कि मैटर एक्सपेंड्स वेन हीट्स। आपने अपने 9वीं कक्षा में पढ़ा होगा। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि मैटर गर्म करने पर फैलते हैं, और ये बात हर वक्त, हर जगह, हर परिस्थितियों में लागू होते हैं। और इसी के साथ साथ ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में जिस चीज की छाप छोड़ते हैं वो चीज आपके अंदर एक परिस्थिति, अनुभव और एक घटना की तरह दिखता है। द लॉ ऑफ योर माइंड इज द लॉ ऑफ बिलीफ। जैसा आप सोचते हैं वैसा आपका माइंड वर्क करता है। द डुअलिटी ऑफ माइंड। हाँ, जाहिर है कि आपके पास केवल एक माइंड है, पर आपके इस दिमाग में दो अलग अलग भाग हैं। हाँ, इन दोनों के बारे में आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। इन दोनों माइंड के एकदम अपोजिट फंक्शंस हैं। इन दोनों माइंड के पार्ट को अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव माइंड, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, वॉल्ट्री, इनवॉल्ट्री माइंड, मेल, फीमेल और ना जाने क्या क्या। वैसे हम इस किताब में कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड वर्ड यूज करेंगे। आपके माइंड के इन दोनों फंक्शंस को जानने का सबसे अच्छा तरीका है अपने माइंड को एक गार्डन की तरह देखना। इस गार्डन में आप एक गार्डनर हैं जो बीज को बोता है और अंत में उसे उसके अनुसार फल मिलता है। ठीक उसी प्रकार आप विचार रूपी बीजों को पूरे दिन भर अपनी आदत के अनुसार अपने अवचेतन मन में उगा रहे हैं। जिस प्रकार के बीज आप उगाएंगे उसी प्रकार का फल आपको अपने शरीर और वातावरण में मिलेगा। अब आप शांति, खुशी, अच्छे काम, संकल्प के विचार बोना शुरू करें, तब आपको एक अच्छी फसल यानी एक अच्छी जिंदगी की प्राप्ति होगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक मिट्टी की तरह है जो हर प्रकार के बीज उगाएगा, चाहे वो अच्छे हों या बुरे। आपको पता है कि हर विचार एक कारण है और हर परिस्थिति एक परिणाम। इसी वजह से यह जरूरी है कि आप अपने विचारों पर नियंत्रण रखें, जिससे केवल आपकी इच्छा अनुसार ही परिस्थितियां आगे बने। और अगर आप भी चाहते हैं अपने YouTube वीडियोस के लिए ताजा तरीन आवाज, तो आप मुझे Instagram पे DM कर सकते हैं, या फिर आप इन्फॉर्मेशन बॉक्स में दिए गए वीडियो को देख सकते हैं जिसमें इसके बारे में डिटेल जानकारी दी गई है। वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिकतर महान वैज्ञानिकों, कलाकारों, कवियों, लेखकों में कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के वर्किंग प्रोसेस की गहरी जानकारी होती है। एक बार की बात है, एक महान गायक कैरुसो को स्टेज पर गाने से डर लगा। उसने बताया कि अधिक डर के वजह से उसका थ्रोट पैरालाइज हो गया था, चेहरे पर पसीना बहने लगा था, क्योंकि अब सिर्फ कुछ ही मिनट बाकी थे उसके परफॉर्मेंस के लिए। वो मन ही मन कुछ ऐसी बातें सोचने लगा, वो मुझ पर हंसेंगे, मैं गा नहीं सकता यार। तभी कैरुसो ने स्टेज के पीछे उपस्थित लोगों के बीच जोर से चिल्लाया, मेरे अंदर का छोटा मैं मेरे अंदर के बड़े मैं को मारना चाहता है, यहाँ से जाओ, बड़ा मैं मेरे साथ गाना चाहता है, अब जाओ जाओ,
बड़ा मैं अब गाने जा रहा है। जब उसने अपने अंदर के शक्ति को रिलीज किया तब उसके हिसाब से उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसे रिस्पॉन्ड किया और जब उसका नाम पुकारा गया तो स्टेज पे गया और अपने परफॉर्मेंस से सभी ऑडियंस को चकाचौंध कर दिया। जाहिर है कि कैरुसो को सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड की जानकारी हो गई थी। जब आपका कॉन्शियस माइंड यानी छोटा मैं डरा हुआ चिंतित परेशान था तब नेगेटिव थॉट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी बड़ा मैं में पैदा हुआ और बाहर निकला। फिर आपके कॉन्शियस माइंड में हलचल हुई और आपका दिमाग घबराहट और निराशा से भर गया। जब कभी ऐसा आपके साथ होता है तब आप कैरुसो के तरह एक पॉजिटिव और पूरे होशो हवास के साथ अपने मन के अंदर उत्पन्न हो रहे इस नेगेटिव थॉट्स को इस तरह से आदेश दें। बस हेलमत चुप हो जा, यहाँ मेरा कंट्रोल है, तुझे मेरा आदेश मानना होगा, तू मेरे काम में टांग नहीं अड़ा सकता। ये देखना बहुत दिलचस्प और आकर्षक है कि कैसे आप अधिकार और पूरे विश्वास के साथ अपने अंदर चल रहे फालतू के हलचलों से बात करके अपने मन में चुप्पी और शांति ला सकते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना वो कॉन्शियस माइंड का गुलाम होता है और इसलिए इसे सबकॉन्शियस माइंड या सब्जेक्टिव माइंड कहते हैं। हाँ तो चलिए इन दोनों माइंड्स के बीच के डिफरेंस को थोड़े अच्छे ढंग से समझते हैं। हाँ तो लेट अस कंसीडर कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक जहाज का नेविगेटर या कैप्टन है। वो जहाज को दिशा देता है और इंजन रूम के वर्कर्स को आदेश देता है जो सभी बॉयलर्स गॉजेस और इंस्ट्रूमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। इंजन रूम के लोगों को ये पता नहीं है कि वो जा कहाँ रहे हैं, वो केवल ऑर्डर्स को ओबे करते हैं। कैप्टन जहाज का मालिक होता है और उसके आदेश का पालन वर्कर्स करते हैं। इसी प्रकार आपका कॉन्शियस माइंड यानी कैप्टन आपके जहाज यानी सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करता है जो आपके पूरे शरीर का मालिक होता है, जिसके पास आपके सभी कामों का नियंत्रण होता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड द्वारा दिए गए आदेश को सच मानकर एक्सेप्ट कर लेता है। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल कि एक लड़की ऐसा कहती है कि अगर मैं कॉफी पीऊंगी तो मैं सुबह 3 बजे उठ जाऊंगी। तो फिर जब भी वो कॉफी पीती है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे जागने के लिए उकसाता है, जैसे कि वो कहना चाहता हो कि आज बॉस मुझे रात भर जगाए रखना चाहता है। हाँ ऐसा आपके साथ भी कभी जरूर हुआ होगा। हाँ तो बस यहाँ तक था पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का चैप्टर 1। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।